where are you from? From which? Spain. And you? Yes, same. And how's your experience? Oh, it's the first time. It's the moment to begin the experience. Your first time came here? Yes. Okay, right. So good luck to you and enjoy your tour. Thank you. You're welcome. You're welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to a very new special vlog. और आज हम आए हैं जी शाही किला में, तो मैंने कहा कि आज थोड़ा सा हिस्टोरिकल सा टूर करते हैं. और इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे थे जब हम लोग आए, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी इसलिए हम जल्दी आ गए. शाही किला की ही एंट्रेंस में हमें ये एक गुरुद्वारा जो है वो मिलता है, और मैं चाह रही थी कि हम इसके अंदर भी जाएं और सारा मतलब कि विज़िट वगैरह करें, लेकिन टाइम कम था, दैट्स वाई हम नहीं जा सके. इसका नाम है श्री गुरु अर्जुन गुरुद्वारा लाहौर. और यहाँ से हम सीधा ही जब जाते हैं तो हमें लाहौर फोर्ट एंट्री टिकट्स मिलती हैं, और ये सारी जो इन्होंने ज़रूरी हदायत लिखी हुई हैं जिस पे अमल कोई भी नहीं करता. लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें दिखने को मिली कि बहुत ज़्यादा सफाई थी और बहुत ज़्यादा पीसफुल सा इन्वायरमेंट लग रहा था. और यहाँ से जी हम अंदर एंटर होते हैं, यहाँ पर जी टूर्स आए हुए हैं, तो मैंने इनसे गपशप की लेकिन ज़्यादा मैंने डिस्टर्ब नहीं किया. हाय, गुड आफ्टरनून. आई एम व्लॉगर. Where are you from? From which? Spain. Spain. And you? Yes, same. And how's your experience? Oh, it's the first time. It's the moment to begin the experience. Your first time came here? Yes. Okay, right. So good luck to you and enjoy your tour. Thank you. You're welcome. You're welcome. और जी बस मैंने कहा कि क्योंकि उनकी अपनी एक आज की प्लानिंग थी, कोई स्केड्यूल होगा, तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, थोड़ी बहुत गपशप लगाई. और जी यहाँ पर हम एंटर हो रहे थे इसमें, और ये जो स्टेयर्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी स्टेयर्स हैं यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर जो भी उस टाइम बादशाह थे वो फिर एलिफेंट पे हाथी पर सवारी करते थे, तो उसके लिए बड़ी बड़ी स्टेयर्स का होना बहुत ज़रूरी है. और जी इतना ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पर, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि हम गाड़ी में बैठेंगे, बिकॉज यहाँ पर होती हैं गाड़ियाँ लेकिन फिर मज़ा नहीं आता एक्सप्लोर करने का. तो जी हम यहाँ पर चलते चलते अब ऊपर पहुँच गए हैं, सामने से वो मीनार पाकिस्तान भी दिख रहा है, और ये मोती मस्जिद के दो गुंबद भी नज़र आ रहे हैं. इसमें हम इंशाल्लाह अभी जाकर नफल अदा करेंगे. और यहाँ पर ये देखिए कुआं, आप देख सकते हैं इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है वो ब्रॉड नेट और नैरो नेट के साथ कवर किया हुआ, ताकि हादसात से बचा जा सके. और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो अब हम जी जा रहे हैं मोती मस्जिद. और लेकिन ये मोती मस्जिद के बाहर का आता है, और मोती मस्जिद में कैमरा एंड वीडियोस जो हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं हैं ड्यू टू सम सिक्योरिटी पर्पस और कुछ रूहानी इश्यूज की वजह से भी. कहते हैं कि जी ये जन्नत की मस्जिद है, और जोहर से पहले पहले आप यहाँ पर आ सकते हैं, नफल पढ़ सकते हैं. तो इसलिए हम लोग थोड़ा मॉर्निंग में निकले कि अगर जाएं भी तो नफल वगैरह पढ़ने हैं तो फिर टाइम से आप जाएं. ये बाहर का आता है, ये जो दरवाज़ा जा रहा है ये आगे मोती मस्जिद स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वहाँ पर जो है वो कैमरा अलाउ नहीं था. हमने नफल वगैरह पढ़ लिए, उसके बाद हम यहाँ पर आए. यहाँ पर ये वुड वर्क से बनी हुई कुछ चीज़ें थी, लाइक मेकअप बॉक्स थे, ज्वेलरी बॉक्स थे. और ये हुक्का देख के मुझे अपने दादा वो याद आ गए, बिकॉज़ मेरे दादा वो भी जो थे ना वो हुक्का यूज़ करते थे. तो जी यहाँ पर अब जारी बात है वो वाली एंशियंट चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने चन्योट से बहुत सारी चीज़ें मंगवा के यहाँ पर एग्जीबिशन में लगाई हुई हैं. तो जी ये देखें, अब तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी हुई हैं. अब हम जा रहे हैं जी, ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही थी ये है जी मुगलिया आर्ट गैलरी, और यहाँ पर हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इन्होंने अपनी आर्ट गैलरी में क्या क्या रखा हुआ है. लेकिन अभी क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बाहर इन्होंने सारा इसका ये जो है ना शाही किला का पूरा नक्शा जो है बिल्डिंग बनाई हुई है इन्होंने. और यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ जाती हैं जो कि मंजरकशी करती हैं, तस्वीर कशी करती हैं उस दौर की, कि लोग वो किस तरह की ड्रेसिंग करते थे, और लाइक किसी भी अच्छी बुरी मोमेंट्स की तस्वीरें जो है ना उन्होंने यहाँ पर लगा के रखी हुई हैं. यहाँ पर ये आपको कुछ बुक्स मिलेंगी जो कि उस दौर के बादशाहों ने अपने हाथ से लिखी हुई थी. ये शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की स्टैम्प यहाँ पर अवेलेबल है, और उसके अलावा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की स्टैम्प है. ये साथ साथ उन्होंने ये ना उन्होंने सेव करके लगाई हुई हैं.
और ये बाकी देख सकते हैं आप लोग, ये उन्होंने मैप दिया हुआ है मुगल मिंट टाउन्स का। अच्छा जी, ये उनके अपने हाथ से लिखे हुए लेटर हैं, फरमान शहनशाह जहांगीर के हाथ का लिखा हुआ। और ये जिन लोगों को लाइक खताती आती है वो बेहतर जान सकते हैं ख़त नस्तलीक क्या होती है, और ख़त नस्तलीक का नमूना हाफिज़ नूरुल्लाह के हाथ का लिखा हुआ, और ये जो है ये दूसरा भी इन्होंने इसमें लगाया हुआ। और जब चलते हैं दूसरी तरफ आपको लेके जाते हैं, तो ये जिन्होंने अपने ज़माने में जो कोई पेंटिंग्स जिस तरह से भी वो करते थे वो भी उन्होंने लगाई हुई हैं। इसके बाद जी हम आर्ट गैलरी से निकल आए, हमने कहा चलते हैं जी लामा इकबाल के मज़ार पे और वहाँ पर करते हैं फ़तेह खानी और उसके बाद चलते हैं घर। आपको ये मेरा शॉर्ट सा व्लॉग अगर पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम करेंगे फ़ातह खानी और उसके बाद जाएंगे अपने घर वापस। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।